बराती बन कर, भोले की बारात में बाराती बन के, ओ चली चली रे, चली चली रे भूतों की टोली साथी बन के, भोले की बारात में बाराती बन के। क्योंकि चाची जी जब कुछ आयोजन कराते हैं तो ये सब भाव लिखने का अपने आप उपज जाते हैं। अभी शिव विवाह भी यहाँ पे भी हमने किया था, इसी वर्ष में किया था सावन में। तो ओ शिव शंकर भोलो आ गयो एज हिमाचल नगरी में, शिव शंकर भोलो आ गयो एज हिमाचल नगरी में, शिव शंकर भोलो आ गयो एज हिमाचल नगरी में, शिव शंकर भोलो आ गयो एज हिमाचल नगरी में। लायो कि भगवान भोलेनाथ आयो, भूत प्रेत के साथ लायो जोर की बारात आयो, भूत प्रेत के साथ लायो जोर की बारात, जो भी देखो माथो पकड़ लियो, क्योंकि भूतां को मेलो लाग गयो एज हिमाचल नगरी में, भूतां को मेलो लाग गयो एज हिमाचल नगरी में। ये सारे तो बारात के प्रसंग के थे, अब आइए शादी की। अच्छा चलिए एक लाइन और खाली उसी प्रसंग की भी इन्होंने याद दिला दी सुदर्शन जी ने, कि फिर जब शंकर भगवान पहुंचे तो पार्वती जी के मन में था कि भाई मेरी माँ ने भले शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन इसके मन में थोड़ा डाउट है कि ये अघोरी है, ये ऐसा साधु जैसा है। तो वहां पे भी थोड़ा पार्वती जी ये वरमाला, तो खाली एक ही लाइन इसकी भी गाते हुए फिर मैं जो भजन गाना है। सज धज कर भोले आए हिमाचल के आंगने, सज धज कर भोले आए हिमाचल के आंगने, और गोरा जी आए गले में वरमाला डालने, गोरा जी आए गले में वरमाला डालने, गोरा जी आए गले में वरमाला डालने, गोरा जी आए गले में वरमाला डालने। क्योंकि ये सारे प्रासंगिक भजन किसी दिन और मस्ती लूटेंगे, अभी तो भैया ने ऑलरेडी आप लोगों ने इतनी मस्ती बारात की लूट ली है। तो आइए